आज हम इंग्लैंड के डोवर क्लिफ के ऊपर खड़े हुए हैं और हमारे सामने ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव नॉर्मन डोवर का प्रसिद्ध कासल दिखाई पड़ रहा है। और बाएं तरफ उसके देखें तो एक छोटा चर्च दिखाई पड़ रहा है। तो ये नॉर्मन कासल जो है डोवर का, इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान के कार के को लेते हुए ये बनाया गया था। और कमांड सेंटर, कमांड पोस्ट था ये वर्ल्ड वॉर वन और टू में। और स्ट्रेटेजिक जो हमने कहा उसका कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि साउथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक गेटवे है इंग्लिश इंग्लैंड के लिए, जिसकी सुरक्षा करने के लिए ये बनाया गया था। तो क्योंकि लेफ्ट साइड में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वैली यहाँ से शायद दिख रही हो, तो वहाँ से एंट्रेंस है इंग्लैंड के लिए कॉन्टिनेंट से, या जो अब मॉडर्न भाषा में फ्रांस से, तो उसके रक्षा के लिए था। और फार डिस्टेंस में जो क्लिफ दिख रही है वो शेक्सपियर क्लिफ है, लेकिन ये हम आपको दिखाते हैं कि ये डोवर का पोर्ट है, हार्बर है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये चैनल है, वाटर चैनल है इंग्लैंड में एंट्रेंस करने का कॉन्टिनेंट से। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण शिप्स जाते हैं कॉन्टिनेंट में, और यहाँ से गुड्स कैरी होते हैं इन बड़े शिप्स में, आप देख सकते हैं। और ये हमारे सामने ये बड़ी शिप्स खड़ी हुई हैं जिनमें कि लॉरीज जाती हैं, कार्स जाती हैं, और ये सारे खड़े हुए हैं यहाँ पर। और इस तरह से, और ये शिप सामने आती दिखाई पड़ रही है, ये एंट्रेंस है एक इन और एक आउट, ये शिप आती दिख रही है, ये फ्रांस से शिप आ रही है। और फर्दर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा मिस्टी है इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन फार डिस्टेंस में हेजी चौक दिखाई पड़ रही है यहाँ से। आई होप कि आपको इस वीडियो में दिखाई पड़े, लेकिन वो जो क्लिफ दिख रही है यहाँ से हेजी डिस्टेंस में, अगर हम आपको देखें कि ये जो बोट है इसके 2 o'clock एंगल पर वहीं पे फ्रांस है, और ये शिप फ्रांस से आती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ से करीब वाटर पाथ के तक और वाटर रूट के थ्रू ये करीब 22 miles और 21-22 miles की दूरी पर, और यहाँ से करीब 1 घंटा लगता है ये वाटर चैनल के थ्रू आने पर, इंग्लिश चैनल के थ्रू आने पर। और खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही फ्रेश एयर ब्रीज यहाँ पे खड़े होके मिलती है।